आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस हाँ एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ सम इफ और सम इफ्स फार्मूले के बारे में। देखिए, एक्सेल में इस फार्मूले का बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, सम इफ और सम इफ्स के बारे में। तो जैसे कि इसमें आज की क्लास में दो फार्मूला आपको सॉल्व करना है, एक है आपका सम इफ और दूसरा है आपका सम इफ्स। तो दोनों में अंतर क्या है कि जैसे कि सम इफ फार्मूले का प्रयोग कब किया जाता है और सम इफ्स फार्मूले का प्रयोग कब किया जाता है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन दिया है सम इफ, एक मैंने डेटा बनाया है, इसमें मैंने सीरियल नेम नंबर भी मैंने लिखा है, सेल्समैन भी मैंने लिखा है, सिटी भी मैंने मेंशन किया है, प्रोडक्ट है, सेल्स प्राइस है, क्वांटिटी और टोटल सेल अमाउंट। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वांटिटी माउस का रेट है 500 रुपया, तो 5 क्वांटिटी खरीदा गया है तो इसके लिए 2500 रुपया पे मेंशन किया गया मल्टीप्लाई करके। तो एक मैंने जो टेबल इस ये मैंने जो डेटा बनाया है समीप समीप्स के लिए, तो एक मैंने सेल्समैन के आधार पे बनाया कि कौन सा सेल्समैन किस सिटी में कितने रुपए का कौन सा प्रोडक्ट सेल किया हुआ है। तो ये तो मैंने संयुक्त रूप से डेटा बनाया है, जैसे कि इसमें मैंने सेल्समैन का नाम भी लिखा है, सिटी भी लिखा है, प्रोडक्ट भी लिखा है, सेल्स रेट भी मैंने टाइप किया है। लेकिन इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग कब करते हैं सम इफ का, तो जब केवल आपको ये पता करना हो इंप्लाई के माध्यम से कि जैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे इंप्लाई हैं जो 2 बार 3 बार सेल किए, तो पार्टिकुलर किसी एक इंप्लाई के बारे में आपको ये पता करना हो कि किस इंप्लाई ने कितने रुपए का सेल किया है केवल नाम के आधार पे, सेल्समैन के नाम के आधार पे, तो इसके लिए सम इफ फार्मूले का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? या आपको ये पता करना हो कि पड़रोना सिटी में टोटल कितने रुपए का सेल किया गया है, तो केवल पड़रोना के आधार पे या सिटी के आधार पे, तो इसके हिसाब से हम सम इफ का फार्मूला लगाते हैं। या केवल आपको ये पता करना हो प्रोडक्ट के हिसाब से कि कौन सा प्रोडक्ट कै रुपए का सेल किया गया है किसी सिंगल प्रोडक्ट के बारे में, तो इसके लिए सम इफ फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि राहुल ने पड्रोना में माउस कितने रुपए का सेल किया गया, तो एक साथ 3 क्राइटेरिया आप ले रहे हैं कि राहुल ने पड्रोना में माउस कितने रुपए का सेल किया गया। अगर अगर मल्टीपल क्राइटेरिया का रिजल्ट एक साथ आपको जानना हो, तो इसके लिए सम इफ्स फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? तो चलिए, पहले तो हम सम इफ निकालेंगे किसके किसके आधार पे। एक हमारा सेल्समैन के आधार पे, एक हमारा सिटी के आधार पे, और एक हमारा प्रोडक्ट के आधार पे। तो जैसे मैंने अलग अलग निकाला भी है, देखिए अब इसे का टोटल कितना निकला है, 6,000 निकला है। चेक करिए कि रिपोर्ट गलत है कि सही है। तो अब इसे का ये सेल है 3,000, ये है और 3,000, ये 3 और 3 6,000 सही आया है, सही है ना? अब वैसे ही आपको निकालना हो कि कसिया में कितने रुपए का सेल हुआ है, तो 7,000 यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे चेक करिए कसिया में, एक कसिया का सेल ये है 3,000 रुपया, और एक कसिया का सेल है 1,000 रुपया, 4,000 हो गया, और एक कसिया का सेल ये है 3,000 रुपया, सही है 7,000। ऐसे ही मॉनिटर सेल हुआ है टोटल कितने रुपए का, 87,000 रुपए का। आप प्रोडक्ट के हिसाब से देखिए, मॉनिटर एक ये सेल हुआ है 33,000, यहाँ पे इक्वल करके देखिएगा, यहाँ पे इक्वल करेंगे 33,000 प्लस कितना है, प्लस मॉनिटर 21,000, एंटर करिए, 54,000 ये हो गया, और भी कुछ है क्या, प्लस आपका 35,000, 33,000 सॉरी, अब एंटर करिए, सही है। लेकिन ये तो हमको जोड़ना पड़ रहा है ना, अब इससे प्लस पॉइंट क्या बनेगा कि बस केवल नाम को चेंज करेंगे, उसके आधार पे सारा वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। वही आज की क्लास में हमको सीखना है कि कैसे हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा, अलग अलग इस तरीके से डेटा बना लीजिएगा, एक आपका सेल्समैन, एक आपका सिटी और एक आपका प्रोडक्ट। तो चलिए, सबसे पहले हमको निकालना है सेल्समैन के आधार पर, सबसे पहले किसका निकालना है, सेल्समैन के आधार पर। तो देखिए, जैसे सेल्समैन का एक नाम यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने प्रोडक्ट लिया है तो प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट को मैंने कॉपी किया, तब जाके इसके आधार पर मैंने फार्मूला लगाया है। तो वैसे ही आपको भी क्या करना है, फार्मूला लगाने से पहले एक सिंगल डेटा को कॉपी करना है। जैसे मैंने एक यहाँ से डेटा को यहाँ पे उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे ला करके मैंने Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, एक सेल्समैन और एक सीटी, सीटी में ले लीजिए अब तो पड़ोना ले लेते हैं, Ctrl+V ले लीजिए, प्रोडक्ट माउस मैंने ले लिया,
यहां से मैंने पेस्ट कर ली। अब इसी के आधार पे सिंगल सिंगल फार्मूला आपको लगाना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जानना है कि अभिषेक ने टोटल कितने रुपए का सेल किया, इक्वल करेंगे और यहां लिखेंगे सम इफ ब्रेकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले रेंज पूछ रहा है ना, तो रेंज का मतलब किसमें मैंने लिया है, सेल्समैन लिया है ना, तो इस पूरे सेल्समैन के नाम को सिलेक्शन करेंगे। नीचे कामा करेंगे सिंगल सेल्समैन जिसको कि हमको जानना है क्योंकि क्राइटेरिया हमारा यही है ना। नीचे कामा और किसमें से ये वैल्यू निकालना है, तो टोटल सेल अमाउंट में से निकालना है। अब ब्रेकेट क्लोज करके इंटर करिए। सही है कि गलत है? सही है। अब चलिए ऐसे ही हमको निकालना है कि पडरौना, कोई आपसे ये पूछे कि पडरौना सिटी में कुल कितने रुपए का सेल किया गया। इसमें एक और प्लस पॉइंट है, देखिए अब अभिषेक का नाम हटा करके यहाँ पे मनीष टाइप करिए, मनीष का टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे बता दे। मनीष का जीरो बता रहा है क्या? क्या बात? चलिए किसी और का चेक करते हैं, सोनू। देखिए एक बार और बता रहे हैं, सबसे पहले किसी एक रिकॉर्ड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट करिएगा। इसी के आधार पे फार्मूला आपको लगाना है, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे, पूरे नाम को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद सिंगल नाम जिसका हमको जानना है, पुनः नीचे कामा। इसके बाद से टोटल सेल अमाउंट और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे। प्रवीण का रिकॉर्ड इतना गया, अब प्रवीण को चेंज करके हम यहाँ पे राहुल लेते हैं। देखिए राहुल का बता रहे हैं, मैं बताऊं रुकिए नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज करने से राजन। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मेनू। चलिए किसी भी एक डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ ब्रेकेट ओपन। सबसे पहले पूरे सेल्समैन के नाम को हम सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे, सिंगल सेल्समैन, नीचे कामा। इसके बाद से टोटल सेल अमाउंट और ब्रेकेट क्लोज करके एंटर। राजन का क्या सही बता रहा है डेटा? राजन का नाम एक जगह लिखा है, सही बता रहे। अब जैसे किसका जानना है, तो मोनू यहाँ पे टाइप करते हैं। देखिए मोनू का रिकॉर्ड बता रहे कि नहीं बता रहे। इसका नाम चेंज करिए, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया राजू। और किसका नाम चेक करना है, अर्नव। सही है कि गलत है? अर्नव का सेल 21,000 है। अब चलिए अभी तो मैंने आपको केवल ये बताया कि नाम के आधार पे हम कैसे डेटा को फाइंड कर पाएंगे, इसका रिजल्ट हम कैसे निकाल पाएंगे। अब हमको बात आती है सिटी के बारे में कि पडरौना सिटी में टोटल कै रुपए का सेल दिखा रहा है, बताइए पडरौना सिटी में टोटल कै रुपए का सेल दिखा रहा है। और ये 2,500 रुपये का ये है और प्लस 20,000 ये है, 2,500 और 20 कितना हुआ, 27,500 हुआ ना। इसके बाद आपका पडरौना का सेल ये है तो कितना हो जाएगा, कितना होगा? देखिए इसको निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे आपको लिखना होगा सम इफ ब्रेकेट ओपन। सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे, पूरे सिटी को, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको जानना है। नीचे कामा, किस सिटी का जानना है, पडरौना। पुनः नीचे कामा, इसके बाद टोटल सेल अमाउंट और ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। 25,000 ही आ रहा है क्या? सही है। अरे अरे 20,000 ये है और 20 और 2 22, 22,500 हो गया। और यहाँ पे दो दो मतलब यहाँ पे 2,500 ये दिया हुआ है,
सही है। अब चलिए इस नाम को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कस्या। तो देखिए कस्या का रिपोर्ट बता रहा है। अच्छा गलती हो गई, कस्या का 7,000 का रिकॉर्ड बता रहा है। सही है कि गलत है, चेक करिए। तो कस्या एक रिकॉर्ड ये है 3,000 वाला, और एक रिकॉर्ड ये है आपका 1,000 वाला, 4,000 हो गया, और 4 और 3 7। अब निकालना है किसका, माउस का। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस पूरे टेबल में माउस कितने रुपए का सेल हुआ है, तो क्या रिस्पांस बताएंगे? माउस 3 जगह सेल हुआ, एक ये है 2,500 और प्लस 1,000 कितना हुआ, 3,500। 3,500 और प्लस 2,500, पच्चीस पच्चीस देखिए इक्वल करेंगे और यहां पर लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे, पूरे प्रोडक्ट को। आप ये समझिए कि पहले पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा और तब जाके नीचे कामा करके, नीचे कामा करने के बाद तब जाके सिंगल डेटा सिंगल प्रोडक्ट, नीचे कामा इसके बाद टोटल सेल अमाउंट। आप एंटर करिए, 5,500 आया कि 6,000 आया, फार्मूला गलत है। सही है। अब चलिए माउस को हटा करके और यहाँ पे ले लीजिए सीपीयू, सीपीयू का रिकॉर्ड बताएगा। क्या सीपीयू का सेल 31,000 है? सही है। अब चलिए, अब अभी तो मैंने आपको सिंगल क्राइटेरिया के आधार पे मैंने आपको बताया, अब एक साथ आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के बारे में जानना है। जैसे अब यहाँ पे क्या करिएगा, जैसे कि आपको ये जानना हो कि किस इंप्लाई ने किस सिटी में किस प्रोडक्ट को कितने रुपए का सेल किया है। अभी तो मैंने सिंगल सिंगल बताया है, अब 3 क्राइटेरिया एक साथ आपका काम करेगा, नाम के हिसाब से, सिटी के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से। चलिए कोई भी एक डेटा हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे ला करके हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। प्रवीण ने देवरिया सिटी में मॉनिटर कै रुपए का सेल किया है, देखिए तो यही रिकॉर्ड दिखाएगा बस 35,000 वाला। तो चलिए रिकॉर्ड आएगा कैसे, तो देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहां पे लिखेंगे सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। इसमें अब सबसे पहले टोटल सेल अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ, ठीक है ना, और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से क्या दिया है, सेल्समैन दिया है, तो आल सेल्समैन के नाम को सिलेक्शन करेंगे, आल सेल्समैन का नाम एक साथ सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से सिंगल सेल्समैन का नाम जिसका हमको जानना है, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद आल सिटी, पूरे सिटी को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से सिंगल सिटी ले लेंगे, नीचे कामा करेंगे। इसके बाद आल प्रोडक्ट एक साथ सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से सिंगल प्रोडक्ट, अब यहां से ब्रेकेट क्लोज करके, सही है। अब चलिए इसका मैंने जान ही लिया, अब आपको जानना है कि राजू ने पटना में माउस कै रुपए का सेल किया है। यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ मिला करके पेस्ट करिए। सही है, क्या राजू ने पटना में माउस इतना ही रुपए का सेल किया है? सही है। अब ये नहीं कि राहुल का पूरा, राजू का पूरा बता देगा, ये कई जगह का बताएगा। यहाँ पे राम ने देवरिया में मॉनिटर कै रुपए का सेल किया है, इसकी जांच करने के लिए आप यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, हो जाएगा। इसके बाद से आपको प्रवीण का जानना है, तो प्रवीण का डेटा सिलेक्शन करके कॉपी करिए और यहाँ पे ला करके इसका पेस्ट करेंगे, तो ये भी रिजल्ट आपको बता देगा। कोई दिक्कत, आप कॉपी करिए, मर्जी करें तो कॉपी करिए, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया मोनू, और यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि मोनू ने देवरिया में मॉनिटर सेल नहीं किया, मोनू ने कसिया में सेल किया, वो भी क्या सेल किया है, माउस सेल किया। तो यहाँ पे माउस लिखिएगा, भी रिजल्ट बता देगा आपका, देखिए। सही है, यही आज की क्लास में आपको जानना था। कोई दिक्कत किसी को, चलिए फार्मूला लिख लीजिए।